मधेपुरा एसडीपीओ कार्यालय में रिश्वत का बड़ा खेल चल रहा है। पहले तो झूठा केस होता है और फिर बाद में केस में नाम छटवाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज एसडीपीओ के रीडर संदीप कुमार का नाम वसूली में आया है। एक केस से नाम हटाने के बदले पैसा मांगने का मामला सामने आया है। उसने पीड़ित पक्ष से 2 किस्त में 15,000 रूपए घूस ली। आरोप पीड़ित पक्ष ने ही लगाया है। पूरा मामला बिहारीगंज के राजगंज गांव से जुड़ा है। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज एसडीपीओ कार्यालय में तैनात रीडर संदीप कुमार की घूस लेते ऑडियो और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित कुंदन कुमार का कहना है कि पिछले 3 दिनों से गवाही से लेकर दोनों किस्त में घूस देने का उन लोगों ने वीडियो और ऑडियो क्लिप बनाया और मधेपुरा एसपी के साथ ही डीआईजी को भी भेजा है। कितना है? 12,000 से 12,500 गिन के लिए। काम अंदर नहीं जा रहे सर, गिन लीजिए ना सर। हम जिम जिम में करते हैं सर, थोड़ा मेरा जो है ना थोड़ा सा। कितना है इसमें? 12,000 से ऊपर होगा सर। नहीं गिने ना, जैसे अरे 5,000 सर। और कितना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? क्या हजार? 15,000। अच्छा सर, आपका थोड़ा कर दीजिएगा सर। पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है, पढ़ लिख कैसे किसी तरह डॉक्टर के पास रहते थे, उसने फंसा दिया सर मेरा सब कुछ। जब कर लेके आना तुरंत मदद कर देंगे, दो का नाम निकाल देंगे और सब कर देंगे। तो वाला तो वाला तो सब काम उसे उल्लेख कर देंगे। जमीन सर थोड़ा जो, हाँ सर जमीन तो सर सब मेरा है सर। इधर सुनिए जो है सर, थोड़ा भाई समझ के कर दीजिए। तोहर ना होगा दू गो का, एगो शंकर का एगो बबलू का, नाम निकाल देते हैं। अच्छा, और सबका कर देंगे तो नहीं फिर बिल हो जाए। ठीक है भैया। अच्छा सर, थोड़ा जो मेरा इस इतना जान लीजिए सर, कोर्ट से सबका बिल हो जाएगा। जा, हो जाएगा सर। ठीक है। उसका आरोप है कि जमीन विवाद के मामले में दूसरे पक्ष ने 2 नाबालिग छात्रों समेत 7 लोगों पर झूठा केस दर्ज कर दिया है। इस मामले को लेकर एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि मामला गंभीर है, पीड़ित के आवेदन और साक्ष्य के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल हुई है सर, ये वीडियो कल ही हमारे संज्ञान में आया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तुरंत हमने इसकी जांच कराई और इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए इस कांस्टेबल को मैंने सस्पेंड कर दिया है, इसको लाइन क्लोज कर दिया गया है।
और इस पर विभागीय कार्रवाई चालू करने का आदेश दे दिया गया है। हम लोग जल्दी इस पर विभागीय कार्रवाई पूर्ण करेंगे और जो आरोप हैं वो सिद्ध पाए जाएंगे तो इस पर कड़ी से कड़ी सजा, नौकरी से बर्खास्तगी तक की भी हम जल्दी पूरी करेंगे। सर सिंह, पीड़ित पक्ष का कहना है कि 31 मई 2021 को केस दर्ज होने के बाद छानबीन करने के लिए 2-4 दिन बाद SDPO सतीश कुमार के साथ उनका रीडर संदीप कुमार भी आया था। उसी समय रीडर ने सलाह दी कि छात्रों का नाम हटवा लो, नहीं तो भविष्य में कभी नौकरी लग रही होगी तो दिक्कत हो जाएगी। पीड़ित की माने तो पहले 50,000 रुपए की मांग की गई, इसके बाद 15,000 रुपए में डील फाइनल हो गए। इसके बाद कार्यालय आकर पीड़ित ने पहले दिन 13,000 रुपए दिए, उसके अगले दिन सुबह बाजार में आकर 2,000 रुपए और दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।